हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। एक्चुअली मैं अपने व्हाट्सएप में अभी किसी को मैसेज कर रही थी, तो अब आपको भी पता है कि ट्रेडिशनल मैसेजेस को व्हाट्सएप ने रिप्लेस करके अपनी जगह हर जगह बना ली है। अब आपको चाहे फ्रेंड्स को मैसेज करना हो, अपने ऑफिस में कोई मैसेज करना हो या कुछ भी करना हो, आप व्हाट्सएप को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके जो फ़ोन की बैटरी है उसको ये व्हाट्सएप आपको पता है कितना ज़्यादा कंज्यूम करता है। और सबसे ज़्यादा टेक्स्ट तो छोड़ो, टेक्स्ट तो नॉर्मली आपके यहाँ पे बैटरी कंज्यूम करता है, लेकिन जो आपके वीडियोस आते हैं, आपकी फ़ोटोज़ आती हैं, आपके ऑफिस से जो लिंक्स आते हैं, वो आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, आप परेशान हो जाते हैं, आपको कोई पर्सनल या कोई ज़रूरी मैसेज लेना हो तो वो आ नहीं पाता, आपकी फ़ोटोज़ नहीं आ पाती, आप कोई मूवीज़ अपने फ़ोन में लेते हैं वो नहीं आ पाती। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका जिससे आप अपनी व्हाट्सएप की चैट्स मतलब बिना डिलीट करे हुए उनको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि जो ज़रूरी चैट होगी सिर्फ आप उनको अपने फ़ोन में रखिए, वही वीडियोस अपने फ़ोन में रखिए, वही फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में रखिए, और बाकी जो बेकार की चैट चैट है, बेकार की वीडियोस है, बेकार की फ़ोटो है जिनको आपने देख लिया, ऐसे कोई जोक आए हैं जो वीडियो आपने देख ली और अब आपको नहीं चाहिए, तो उनको आप रिप्लेस करिए और अपने व्हाट्सएप को नॉर्मली यूज़ करिए और अपनी बैटरी को कंज्यूम होने से बचाइए। जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आई एम श्योर कि आपके पास मीडिया फाइल्स का भरमार होगा। आपके पास एक तुरंत तुरंत वीडियो मैसेजेस लिंक्स आते रहते होंगे। अब ऐसे में आपको अपनी मेमोरी बूस्ट कैसे करनी है, क्योंकि जो बेकार मैसेजेस होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है जो इम्पॉर्टेंट मैसेज होते हैं। यानी कि आप उस भीड़ में वो मैसेज नहीं देख पाते जो आपको ज़रूरत है, फिर आपको एक एक करके वो फ़ोन में सर्च करना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मैं जो आपको आइडिया बताऊंगी उससे आप एक इंडिविजुअली को मतलब जो आपके इम्पॉर्टेंट मैसेज होंगे, एक इंडिविजुअल को आप वो मैसेज उसी के ये जो मैसेजेज हैं वो रख सकते हैं, उसी ग्रुप का मैसेज रख सकता है रखेंगे और एक एक करके आप इंडिविजुअली जिनको डिलीट करना होगा उनको डिलीट कर सकेंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो आप WhatsApp सेटिंग पर जाकर सबसे पहले अपने पूरे WhatsApp चैट का बैकअप ले लें। बैकअप कंप्लीट होने के बाद फिर से WhatsApp ओपन करें और ये प्रोसेस फॉलो करें। सबसे पहले आप अपनी WhatsApp सेटिंग में जाएं, यहाँ डेटा स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर अब आप टैप करें। अब सबसे ऊपर नेटवर्क यूसेज और डेटा यूसेज दिखेगा। अगर आप नेटवर्क यूसेज को क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपने कितनी व्हाट्सएप कॉल में अपनी मेमोरी वेस्ट करी है और कितनी वीडियोस आपकी ज़रिए आपने मेमोरी वेस्ट करी है और क्या फ़ोटोज़ में मेमोरी आपकी यहाँ पे कंज्यूम हुई है। उसके बाद अगर आपने ये देख लिया है तो आप नीचे आइए और वहाँ पर स्टोरेज यूसेज पर टैप करें। अब सबसे पहले आपको एक लिस्ट दिखेगी जो आपकी चैट लिस्ट होगी, यानी कि आपने किस ग्रुप से चैट किया है या किस अपने फ्रेंड से चैट किया है। तो सबसे पहले आप जिस ग्रुप या फिर जिस भी फ्रेंड का स्पेस आपका जो ज़्यादा ले रहा है मैसेज उसको क्लिक करें। आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका इंटरेक्शन किसके साथ ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जिससे आप सबसे ज़्यादा चैट कर रहे हैं वो सबसे ऊपर की साइड रहेगा। अब आप उस लिस्ट में एक एक चैट पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते ही आपको ये दिखेगा कि इस चैट में किस तरह की फाइल्स हैं, यानी कि वीडियो, फोटोज़, लिंक, कितना स्पेस आपका ये कंज्यूम कर रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सिलेक्ट करके बटन में फ्री अप स्पेस को टैप कर सकते हैं। जिस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी की चैट आपके कॉन्टैक्ट से क्लियर हो जाएगी, वो आपके चैट बॉक्स से भी खत्म हो जाएगी। ऐसे करके आप अपनी व्हाट्सएप लिस्ट से वो चैट भी क्लियर कर सकते हैं जो आपकी ज़रूरी नहीं है और साथ ही आप अपनी बैटरी को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो ये शायद आपके बहुत काम आएगा और इससे आपके जो गैर ज़रूरी चैट्स हैं वो भी डिलीट हो जाएंगी। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।